हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11। 1 to 4 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 5 में क्या है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। जो आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट है उसी से हमें क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स इंटरसेक्शन y फाइंड करेंगे। x हमारे पास क्या दे रखा है, 1, 3, 5। इंटरसेक्शन y हमारे पास क्या दे रखा है, 1, 2, 3। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या था, ऐसा डिजिट जो हमारा दोनों के अंदर कॉमन है, एक ऐसा नंबर जो दोनों सेट्स में कॉमन है, एक ऐसा एलिमेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आएगा, 1 दोनों में कॉमन है एंड दोनों में कॉमन क्या है, 3। 1 और 3 हमारे पास क्या आएगा, x इंटरसेक्शन y। सेकंड है हमारे पास a इंटरसेक्शन b। a सेट आपको दे रखा है a e i o u एंड b सेट आपको दे रखा है a b c। दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आया, दोनों में हमारे पास कॉमन है a, इसलिए a इंटरसेक्शन b क्या आया आपके पास से, a। थर्ड है हमारे पास a इज इक्वल टू a के अंदर क्या दे रखा है, मल्टीपल्स ऑफ 3, 3, 6, 9, 12 अप टू इन्फिनिटी। एंड बी सेट के अंदर हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5। दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसके अलावा कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए इंटरसेक्शन भी क्या है आपके पास से, 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, आपको कोई भी चार सेट दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी, हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या आएगा, ऐसा डिजिट जो दोनों के अंदर कॉमन है, कॉमन क्या है, 7, 9, 11। 7, 9, 11 दोनों में कॉमन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 7, 9, 11। फिर आपके पास ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तीनों का इंटरसेक्शन है, इट मीन्स हम किसी भी दो का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, उसके बाद हम उसका थर्ड से इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के अंदर हमारे पास कॉमन क्या है, ए और सी के अंदर हमारे पास ओनली 11 कॉमन है, इसीलिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी क्या आया, 11। इंटरसेक्शन एज दैट इज डी आपके पास क्या है, 15 एंड 17। 15 और 17, अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 5। नेक्स्ट है फिर हमारे पास 8th पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, सबसे पहले हम ए लिखेंगे, ए एज इट इज इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, बी और डी यूनियन हमारे पास क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए और सेट बी दोनों के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स, और जो एलिमेंट्स रिपीट हो रखे हैं उनको सिर्फ हम एक बार लिखेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनियन। अब इसमें दोनों में यूनियन क्या आया, 7, 9, 11, 13, 15, 17, सभी डिजिट रखे, इंटरसेक्शन है, फिर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, 7, 9, 11, इसलिए दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आया, 7, 9, 11। उसके बाद है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में आपको क्या दिया हुआ है, इफ़ ए इज इक्वल टू ए दे रखा है आपको सेट x सच दैट x इज इन नेचुरल नंबर, x के अंदर आप सेट ए के अंदर आपको क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनेटिव। फिर बी सेट आपको दे रखा है x सच दैट x इज एन इवन नंबर, इवन नंबर हमारे पास कौन से हैं, 2, 4, 6, 8 अप टू इन्फिनेटिव। सी सेट आपको दे रखा है x सच दैट x इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर हमारे पास क्या है, 1, 3, 5, 7 अप टू इन्फिनेटिव। डी है आपके पास x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से हैं हमारे पास, 2, 3, 5, 7 अप टू इन्फिनेटिव। फिर हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के अंदर कॉमन क्या है,
ए और बी में कॉमन क्या आएगा हमारे पास, ए के अंदर सभी नेचुरल नंबर हैं, बी के अंदर ओनली इवन नेचुरल नंबर हैं, तो जितने भी इवन नेचुरल नंबर वो सभी इसमें से आए हैं, ए में से नेचुरल नंबर में से आए हैं, इसीलिए हमारे पास दोनों में से अगर कॉमन देखते हैं तो क्या आएगा, कॉमन बी, बिकॉज बी है वो हमारे पास क्या है, सबसेट ऑफ ए, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, बी। सेकेंड है ए इंटरसेक्शन सी, इसी तरह हमारे पास ये है जितने भी ओड नेचुरल नंबर वो किस में से आए हैं, हमारे पास नेचुरल नंबर में से आए हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी, बिकॉज सी सबसेट ऑफ ए। थर्ड है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी जो भी हमारे पास प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कहाँ से आए हैं हमारे पास, वही नेचुरल नंबर से, तो सारे के सारे प्राइम नंबर किस में लाई करते हैं, हमारे नेचुरल नंबर में, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू डी, डी सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी दोनों में अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इंटरसेक्शन बी के अंदर हमारे पास क्या है, इवन नेचुरल नंबर, सी के अंदर क्या है, ओड नेचुरल नंबर, इवन और ओड दोनों के अंदर ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है, जो हमारे पास कोई भी ऐसा एक नंबर नहीं मिल सकता हमें जो दोनों में कॉमन हो, इसीलिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 5, बिकॉज नो नेचुरल नंबर विच इज़ बोथ इवन एंड ओड, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो इवन भी है और ओड भी है। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन डी, बी हमारे पास इवन नंबर्स का सेट है, डी हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट है, दोनों में कॉमन क्या आता है, 2, दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, 2, क्यों, क्योंकि 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। नेक्स्ट है सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी, सी और डी में हमारे पास कॉमन क्या आएगा, 3, 5, 7 अप टू, ऐसे ही चलते रहेंगे तो 3, 5, 7 अप टू, बिकॉज प्राइम नंबर इज ओड, जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सभी क्या होते हैं, ओड, ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर, सिर्फ 2 हमारे पास क्या है, इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा सभी प्राइम नंबर क्या है, ओड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, उससे पहले हमारे पास है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट होता है एक ऐसा सेट, कोई भी आपको दो सेट दिए हैं, टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, जब भी हमारे पास कोई दो सेट दे रखे दोनों का इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5 आता है तो हम क्या बोल देंगे कि वो क्या है, डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट दे रखे हैं उन दोनों से डिफरेंस फाइंड करना, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, बी इज इक्वल टू 2, 4, 6 डिजिट ले लिया हमने, ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी कैसे फाइंड करते हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी, हमें ए माइनस बी में वो डिजिट्स लिखेंगे जो सेट ए के अंदर बिलोंग करते हैं बट वो बी के अंदर बिलोंग नहीं करते, जैसे 1 है आपके पास, 1 ए में बिलोंग करता है बट बी में बिलोंग नहीं करता, इसीलिए हमने 1 मेंशन किया, 2 हमारा ए में बिलोंग करता है, बी में भी करता है, इसीलिए हम इसको मेंशन नहीं करेंगे, 3 हमारा इसमें बिलोंग करता है लेकिन बी में नहीं है, 3 आ जाएगा, 4 बिलोंग करता है, 4 यहाँ भी बिलोंग करता है इसीलिए 4 नहीं मेंशन करेंगे, 6 दोनों के अंदर है हमारे पास, 5 क्या बच गया है, सही ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हमारे पास क्या आता है, सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। फिर अगर हम बी माइनस ए फाइंड करते हैं तो बी माइनस ए क्या आएगा, बी के अंदर क्या क्या है, 2, 4, 6, 2 भी बिलोंग करता है इसमें, 4 भी है हमारे इसमें और 6 भी है, सभी डिजिट्स दी हुए इसके अंदर, इसीलिए बी माइनस ए क्या हो जाएगा, 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, ये पूछ रखा है इनमें से कौन से पेयर आपके डिसजॉइंट सेट के हैं। अब हमें दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 एंड x such that x is a natural number,
एक हमें क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, दूसरा हमें दिया हुआ है x, सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर है, कौन सा नेचुरल नंबर है, उसके लिए हमें कंडीशन दी हुई है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, लेस देन या इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन या इक्वल टू 6 होगी हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या रखेंगे, 4 5 6, x की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 या 4 से बड़ी हो सकती है और 6 या 6 से छोटी हो सकती है, इसलिए हमने क्या रखी, 4 5 6। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 4 5 6, दोनों में कॉमन क्या आया, 4 आया। लेकिन डिसजॉइंट सेट में क्या होती है कंडीशन, दोनों में कॉमन क्या आता है, 5। तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस पेयर ऑफ सेट इज नॉट ए डिसजॉइंट सेट। सेकेंड है ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ। अब दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, दोनों के अंदर इंटरसेक्शन निकाल देंगे, इंटरसेक्शन में दोनों में क्या आया, ई। ई ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में भी लाई करता है एंड सेट बी में भी लाई करता है, इसीलिए दोनों में कॉमन है ई। दिस पेयर ऑफ सेट इज नॉट ए डिसजॉइंट, तो इसको हम क्या बोल देंगे, नॉट ए डिसजॉइंट सेट। इसी तरह थर्ड है आपके पास x, सच दैट x इज एन इवन नंबर। इंटीजर्स x के अंदर हमारे पास क्या है, इवन इंटीजर्स 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटिव, एंड x इज एन ओड इंटीजर्स। दूसरा दे रखा है x ओड इंटीजर्स हैं, ओड इंटीजर्स में क्या आएगा, 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटिव। दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक में इवन नंबर है एक में ओड नंबर है, इवन और ओड में हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं हो सकता, इसीलिए क्या आएगा, 5। और जब भी दोनों का इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5 आया तो हम क्या बोल देंगे उसको, डिसजॉइंट सेट, द पेयर ऑफ सेट इज डिसजॉइंट सेट। ओके, थैंक यू। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।